हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हरे कृष्णा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम आल्सो डूइंग गुड. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल माय मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट क्या ही होगा, यू कैन गेस. ऑफकोर्स स्टडी. सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई एंड बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक, यही सारा कुछ होता है. सो चलो देखते हैं. एंड येस, मेक श्योर वीडियो को इन तक आप ज़रूर देखना. वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. एक लाइक देने में आपका क्या ही जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगता है एक लाइक देने में. तो येस, लाइक ज़रूर कर देना. वीडियो पे कमेंट भी करो आपको वीडियोस कैसी लगती हैं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. एंड येस, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशंस हो वो मिल जाए एंड आप टाइम पर वीडियो देख लो. बिकॉज आपको पता है, आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगे, और जब आप डीमोटिवेटेड रहोगे ना, आपको ऐसे ही वीडियोस आपको मोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं कि उठो फिर से पढ़ो, अगर आप स्टॉप हो गए हो तो, अगर आप लो फील कर रहे हो तो. तो सबसे पहले स्लॉट में मैं कर रही हूँ पॉलिटी. आप लोग बुक देख कर जान ही गए होगे, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सभी लोग के पास होगी ऑफकोर्स. तो येस, सबसे पहले स्लॉट में मैं ये सही कर रही हूँ. और आज मैं पढ़ रही थी फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसके बाद मुझे शुरू करना है सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस चैप्टर वॉज प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड येस फॉर मी प्रिटी बोरिंग ऑल्सो. मेरे लिए मॉडरेट चैप्टर था. देखो, सब लोग को इमरजेंसी प्रोविजन बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, बट मेरे केस में क्या था, मुझे अच्छा भी लगा और कहीं कहीं पे जैसे जब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई तो वहाँ पे मुझे बोर भी लगा. बट या ओवरऑल दिस चैप्टर वाज लिटरली वेरी गुड. इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन, सो यू नो वी कांट अवॉइड इट. एंड या इट कंसिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल्सो. सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो अभी यहाँ पर मेरा पॉलिटी चल रहा है. काफ़ी मन से मैं पढ़ती हूँ पॉलिटी, टच वुड, क्योंकि जब हमें लगता है ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारी फुल हेल्प करता है पढ़ने में कि हाँ पढ़ो, इस चीज़ को रिटेन करो दिमाग में, ये होता है. और वही चीज़ अगर कोई यू नो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम उसको इतनी कम वैल्यू देते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चाह के भी उसे रिटेन नहीं कर पाता. यही रीज़न है कि हमें कुछ ही चीज़ें लर्न हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं. सो मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट मैं पॉलिटी को देती हूँ, या फिर समटाइम्स रिविज़न या फिर हिस्ट्री को, जैसा मेरा शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग. तो अभी मैंने पॉलिटी पढ़ तो ली है, बट ये मेरी ना बुक जो है बाइंडेड है. देखो, सारी बुक जो मोटी वाली होती है सब बाइंडेड होती है, तो फट सी गई थी, पेजेस इसके निकल गए थे. सो आई थॉट चलो इसको स्टिक कर देते, क्योंकि जब पेज वेज निकलना शुरू हुआ एक ना, फिर शुरू हो जाता है सिलसिला और पूरी बुक के पेजेस अलग अलग हो जाते हैं. तो इसलिए मैंने उसको पेस्ट कर दिया. और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि यू नो क्लीनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑल्सो. मुझे बहुत पसंद है साफ़ सफाई रखना अपने घर में एंड अपने आसपास, अपने रूम में, हर चीज़ मुझे साफ़ साफ बहुत पसंद है. तो इसके बाद फिर मैंने लंच भी कर लिया, बिकॉज भूख लग रही थी. सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े मोड़े भाई बिस्किट वगैरह खा लिए थे, उनसे क्या ही होता है. बट या भूख तो नहीं लगी थी, बिकॉज पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मन लग रहा था. तो अभी आप देख रहे हो सिलेबस है मेरे हाथ में, एंड सिलेबस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के PYQs की बुक है. तो नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज PYQs ऑफ इकोनॉमिक्स. साथ के साथ खोल लिया सिलेबस GS3 का एंड प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स का, इससे कि मुझे एक रोडमैप मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक है, ये तुमको देखना है. तो इसके बाद मैंने क्या किया, सिलेबस देखा, बुक पे टिक किया, सिलेबस देखा, बुक पे टिक किया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विच टॉपिक आई हैव टू स्टडी. वैसे तो इफ़ यू टॉक अबाउट UPSC तो एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ गिवन इन बुक, बट स्टिल देखो, अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे. टाइम नहीं है इतना कि पूरा कुछ पढ़ना है, यू नो इकोनॉमिक्स में PhD करनी है, हिस्ट्री में PhD करनी है, नहीं हो ही नहीं सकता, टाइम इतना नहीं है. इसलिए सब कुछ ना पढ़ के मैं ये चीज़ प्रेफर करती हूँ कि जो चीज़ सिलेबस में दी हुई है और जो चीज़ PYQs में बार बार रिपीटेडली पूछी गई है, उस पर ही ज़्यादा फोकस करूँ, रेदर देन स्टडिंग होल दैट स्टफ्स. लोग को भी यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा ना इस पे फोकस मत करो कि सब कुछ पढ़ लूँगी मैं, सब कुछ आ जाएगा मुझे, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती, कुछ छोड़ूंगी नहीं, सब कुछ पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो रह जाए. तो देखो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा. प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन में से ऑफकोर्स आपको 40-50 ही आते रहेंगे, वो तो आप गेस मार्क्स से लेते जाओगे 80-90 क्वेश्चन तक, दैट्स इट. 50-60 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे होते हैं जो कि किसी को नहीं आते रहते. इसलिए अगर हम जितना चाहें ना कि सब कुछ कर लेंगे, तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल. देखो, पढ़ने को सब पढ़ सकते हैं, बट या इन केस ऑफ एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही तो चाहिए, 33%. क्यों PhD थोड़ी करना है, टॉप थोड़ी करना है कि नहीं. इस वजह से बस मेरे साथ ऐसा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हो, और आप भी ऐसा करो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो.
एंड यस, अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री। मैंने लगा लिया था मैराथन वीडियो जागृति अवस्थी मैम का। हेयर आई एम रिवाइजिंग हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, एंड जस्ट वॉचिंग द लेक्चर एंड मेमोराइजिंग ऑल द थिंग्स विच आई हैड स्टडीड लास्ट ईयर, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री मैंने लास्ट ईयर ही कर लिया था। सारी चीज़ें बस यू नो जस्ट आई एम रिवाइजिंग। अभी यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रम खोल लिया है, अब बारी स्पेक्ट्रम पढ़ने की। स्पेक्ट्रम मेरा कंप्लीट है, ऑल्दो वो जो मेन मॉडर्न इंडिया है ना, कि मतलब जब गांधी जी आए इंडिया एंड जो भी मूवमेंट थे, सिविल डिसोबिडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड रॉलेट एक्ट, वट एवर द एक्ट्स वर देयर, वट एवर द मूवमेंट्स वर देयर, ऑल आई हैव कंप्लीटेड। बट स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर नंबर 3-4 दैट आर लेफ्ट, अभी मुझे उसे करना है, क्योंकि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम ये कहें कि अगर एग्ज़ाम में नहीं आता है, फिर भी हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ हमारा मॉडर्न इंडिया कैसा था, कैसा सब कुछ रहा। तो इस वजह से मैं एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन पढ़ रही हूँ। एंड अभी पर्टिकुलरली चैप्टर जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है इंडिया ऑन द ईव ब्रिटिश कंक्वेस्ट। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, सो अभी आपको बता दूँ, शाम के बज रहे हैं 4:30। नाउ आई एम गोइंग टू डू लेक्चर, क्योंकि मैंने जो रिवीजन किया था स्पेक्ट्रम का वो तो कर लिया, बट अभी लेक्चर देखना है चैप्टर नंबर 4 का, तो उसे लगाते हैं एंड यस लेक्चर देखते हैं, चैप्टर को हम कम्प्लीट करते हैं। चैप्टर बड़ा भी काफ़ी है, बट या इंटरेस्टिंग भी है। एंड फ्रेंड्स, टाइम का ना तो क्या ही कहना, मतलब मैं सुबह से बैठी हूँ 7 बजे से, आपको पता है शाम हो गई। एंड यस, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके साथ पूरे 24 घंटे का दिखा रही हूँ एक एक मिनट का, बट या मैं पढ़ ही रही थी एंड उतने में ही शाम हो गई, मतलब सुबह से बैठे शाम हो गए। सो वियर्ड ना, टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एक एक दो दो घंटे आपके एक एक सब्जेक्ट में लग जाते हैं। और रही बात जैसे लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर तो और टाइम नहीं लेता है आपका, 3-4 घंटे एक एक लेक्चर में लग जाते हैं। सो दैट टेक्स इट वेरी मच टाइम, बट या करना है तो करना है, दैट्स इट। टाइम लगे चाहे जो लगे, अब जब सोच लिया करना है तो बस करना ही है। ऐसा एटीट्यूड सब लोग रखो, मैं भी ऐसा एटीट्यूड रख रही हूँ, यू नो आई एम अडॉप्टिंग दिस एटीट्यूड कि करना है तो करना है, बस एक बार में करना है चाहे जो भी करना पड़े। एंड यस, अपने टाइम को ना बहुत ही अच्छे से यूज़ करो फ्रेंड्स, बिकॉज अभी ये जो आपका टाइम है ना, जो आप मेरा मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये जो आप अभी हो ना 18 से 25 के बीच में या फिर 18 से 30 के बीच में, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड। अच्छे से पढ़ो, यू नो योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से अपना एक एक मिनट यूज़ करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। थोड़ा बहुत फ़ोन चलाओ, ठीक है चलता है इतना, वी आर ह्यूमन बींग्स, मशीन नहीं है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पढ़ाई में जाना चाहिए या फिर उस काम में जिसमें आप सक्सेस माना चाहते हो, ठीक है। एंड मेरा रूटीन बेसिकली ऐसा ही होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। मे भी आप लोग को बोरिंग लगे कि कुछ फ़न नहीं है, घूमती नहीं हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, तो यस मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी लाइफ के। मेरे लिए मेरे सक्सेस से ज़्यादा, मेरे लिए मेरी पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एक बार वो ड्रीम मिल गया ना, फिर तो फ़न ही फ़न रहेगा लाइफ में। इस वजह से अभी मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस वजह से मेरे ब्लॉग आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 दिखती होगी। आई होप आपको इससे अच्छा ही लगता होगा, इंस्पिरेशन मोटिवेशन ही मिलती होगी रैदर देन यू आर बीइंग बोर्ड। बोर मत हो, देखो यही लाइफ है हम स्टूडेंट्स की, तो इसलिए इसे एक्सेप्ट करो एंड यस इसे इम्प्लीमेंट भी करो। शाम के 6 बज रहे थे और मम्मी ने बनाए पकौड़े, तो फिर मैंने सोचा चलो वैसे इंजॉय करते हैं। एंड यस, पढ़ाई भी मेरी हो चुकी है इससे। सो या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। बाई।